नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। अलावा लगभग सभी सीटों पर डिस्कस हो गया है आलाकमान को निर्णय लेना। तो क्या ये जो लगातार कह रहे थे गठबंधन की बात, चाहे नागौर हो सीकर हो, अभी चल रही है बांसवाड़ा नागौर और सीकर, तीनों ही जगह अभी गठबंधन की बात चल रही है। वो मैं समझता हूँ कि वो भी अंतिम चरण में ही है, जैसा भी निर्णय होगा उसके, गठबंधन नहीं होता है तो भी जो है वो उम्मीदवार। कोटा फाइनल होगी, कोटा भी फाइनल, ये जब सारी फाइनल है पहला नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी 15 सीटों पे चर्चा हो गई है और आला कमान बहुत ही जल्दी सारी चीजें जारी करेगा। प्रहलाद गुंजल क्या पार्टी में आ गए हैं, आने वाले हैं, क्या कुछ ऐसा कोई बीच में चर्चा हुई इसको लेकर? अभी देखिए आधिकारिक तो घोषणा अध्यक्ष जी करेंगे, अभी क्या बात चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं अगर वो आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो टीकाराम जूली को आप सुन रहे, तो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 सीटें ऐसी है जिन पर गठबंधन की बात हो रही है, 1 सीकर है, दूसरी नागौर है और तीसरी बांसवाड़ा डूंगरपुर है। वहीं जब कोटा को लेकर सवाल किया गया तो प्रहलाद गुंजल के सवाल पर टीकाराम जूली ने कहा कि जो भी फैसला होगा उससे कांग्रेस मजबूत होगी और अध्यक्ष इसका घोषणा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा यह भी सुनिए। अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं, जो बाकी 15 सीटें हैं उसमें बहुत जल्द AICC का निर्णय आएगा और फाइनल आपका लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई, दो नाम सामने आए सर, एक तो चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया। जो भी नाम फाइनल होंगे उसकी ऑफिशियल घोषणा AICC कर देगी, लेकिन हम सब ने अच्छे माहौल में चर्चा की जैसे मैंने कहा, और हमारा लक्ष्य ये है कि दो बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में, इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। और मुझे लग रहा है कि जो उस प्रकार का अब तक हमारा प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट्स हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अब तक जो नाम हमने अनाउंस किए हैं उसका अच्छा फीडबैक मिला है, और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर्स का अच्छा फीडबैक हमको मिला। आउटसाइडर्स अलाउड है, दोबारा होगी या भूल गया? कितनी सीटें रह पाएंगी, क्या कह रहे हैं पीछे कितनी सीटें बचेगी? मैंने कहा ना सब पे चर्चा हो गई है और अधिकृत घोषणा AICC दोबारा तो नहीं होगा सर। आउटसाइडर्स आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाउड है या नहीं है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। राजस्थान जो भी नाम फाइनल किए हैं उसकी ऑफिशियल घोषणा AICC करेगी। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।